अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग इलाके से आ रहे हैं। आखिरकार क्या ऐसा यहाँ पे होने जा रहा है जो कि इतने तादाद में यहाँ पे बच्चे पहुंचे हैं, लड़कियां लड़के सभी एज ग्रुप के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। हम बात करेंगे इन लोगों से, यहाँ आने का कारण क्या है। तो आप लोग यहाँ कैसे आए हो आज? कंप्यूटर साइंस। हाँ जी, कंप्यूटर पढ़ने। अच्छा, पढ़ने के लिए आए हुए। तो क्या हार्टोन इंस्टीट्यूट में क्या किस चीज का कोर्स कर रहे हो आप लोग? बीसीए। बीसीए का? हाँ जी। तो कैसा है, इसका फायदा क्या है? फायदा कोर्सेज है, हमें कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज होगी और सॉफ्टवेयर की। अच्छा, हाँ जी। तो कितना समय हुआ आपको यहाँ पे? मेरे को 2 महीने हो गए। 2 महीने हुए आपको? 3 महीने। कहाँ से आते हो? गुड़साल। हैं? गुड़साल। अच्छा, तो इस कोर्स का कितना बेनिफिट आप मानते हैं? होगा ही, अगर करेंगे तो है ही बेनिफिट है। अच्छा, यहाँ जो पढ़ाने के जो स्टाफ है और है, उससे जिस हिसाब से आपने सोच के आए थे उसमें खड़े उतरते हैं लोग? हाँ जी सर। कौन से गांव से, कहाँ से आप? चौधरीबाद से सर। चौधरीबाद से। तो कितना समय हो गया यहाँ पे? 2 से 3 मंथ। अच्छा, 2 से 3 मंथ। तब यहाँ का जो एक तरह से डिप्लोमा जो लेंगे आप लोग, कहीं ना कहीं आपके काम आने वाला है। यस सर। तो और लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं पूरे पूरे इधर से घुस के हम लोग चलते हैं, यहीं से चलते। आप कहाँ से? मैं ITI स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हमारे 3 महीने की DST ट्रेनिंग लगी हुई है। अच्छा, यहाँ पे हमें बहुत अच्छा सिखाया जा रहा है, जितना हमारे सिलेबस में उससे भी एडवांस हम यहाँ पे सीख पा रहे हैं। पूरा 9 to 5 हमें टाइम मिल रहा है। यहाँ तो भीड़ इतनी है सारा, ऐसा किस तरह एटमॉस्फेयर कैसा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, ऐसा कि बैचेस अलग अलग होते हैं तो उसके कारण ऐसा भीड़ रहती है। अच्छा। बट यहाँ पे हर बच्चे को PC भी मिल रहा है और टाइम से थ्योरी PC सभी क्लासेस अटेंड हो रही है। पूरा का पूरा, मतलब जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे व्यवस्था के हिसाब से पढ़ाया जा रहा है। यस, टाइम टू टाइम सभी क्लासेस है। बहुत सारे बच्चे हैं और यहाँ पे मुझे लगता है भीड़ का कारण ये है कि अच्छी शिक्षा मिल रही है और बच्चों को कोर्स के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी जा रही है। नीचे देखिए अंडर बेसमेंट में भी है, उस साइड भी है, बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बिल्डिंग पूरी यहाँ पे भरा हुआ है खचाखच। हम लोग रिसेप्शन की तरफ चलते हैं तो रिसेप्शन में आप देखिए यहाँ पे तो वैसे ही भीड़ है पूरा का पूरा। ये बच्चे कहाँ से आए आप लोग? तलवंडी बात से। तलवंडी किस, कैसे आए हो? बस से आए। बस से आए पास बनवाने के लिए? हाँ। अच्छा, एडमिशन हो गया? यस। तो किस में आपने एडमिशन लिया है? DCAA। अच्छा, कोर्स कर रहे। आप कहाँ से हो? मोटाखेड़ा। अच्छा, तो पढ़ने के लिए कौन सा कोर्स कर रहे हो? DCA। DCA तो क्या बेनिफिट है इसका, DCA का? इससे सर हमें आगे जाके ये कंप्यूटर के बारे में जानकारी हो जाएगी और आगे नौकरी के लिए हम ज्यादा कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, तो भाई आपसे बात करते हैं, कहाँ से हो आप? तलवंडी बादशाहपुर से। तलवंडी बादशाहपुर से। तो एडमिशन ले लिया या पहले पढ़ रहे हो? एडमिशन ले लिया, 4 महीने हो गए। 4 महीने हो गए। तो जैसे यहाँ पढ़ रहे हो उसका बेनिफिट आपको लगता है आने वाले समय में आपको होगा? हाँ जी, होगा जी। कितना बेनिफिट मिलता है? बहुत है जी। तो यहाँ पढ़ाने का कैसा तरीका है? इतना भीड़ बहुत ज्यादा है यहाँ? तो तरीका बढ़िया जी, भीड़ तो बढ़िया, पढ़ाई होगी तो भीड़ तो होगी जी। अच्छा, तो जो टीचर्स हैं यहाँ पे, फैकल्टी है, वो एक्सपीरियंस होल्डर लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अच्छी शिक्षा दे रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, आप कहाँ से भैया? बेरिया। वो तो दिख रहा है गाँव आते भाई, बेरिया से। अच्छा, कितना समय हुआ यहाँ पे? हो गए 6 महीने। हो गए 6 महीने हो गए। क्या कुछ सीखे आप भाई? सीखे कंप्यूटर जी, पहली सीख ली। अटेंडेंस आप लोग इसमें लगाते हो क्या? हाँ जी। कहाँ से हो आप लोग? न्योड़ी क्लास। न्योड़ी क्लास जी। तो कितना समय हुआ आपको यहाँ? 6 महीने हो गए। 6 महीने हो गए। क्या कुछ सीखा? सभी करवा रहे थे, बहुत अच्छा। तो फैसिलिटी सारी है? यस सर, मतलब कोई दिक्कत नहीं है? नो सर, कोई दिक्कत। तो बच्चे ना कई बार सोचते हैं कि गांव से दूर जाएंगे, हिसार में कहाँ जाके पढ़ेंगे, तो कंप्यूटर कोर्स करना जो चाहते हैं उनके लिए बेस्ट संस्था है? यस सर, बिल्कुल अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। फैकल्टी कैसी है यहाँ पे? बहुत अच्छी है सर। तो जैसे आप जो आ रहे हो यहाँ पे, आपका जो एक तरह से जो एंट्री होती है और यहाँ से आप जब जाते हो, आपका अटेंडेंस कैसे लगाते हैं? यहाँ पे फिंगरप्रिंट लगती है सर, और क्लास में भी अटेंडेंस ली जाती है। अच्छा, तो पढ़ाने का पूरा का पूरा सिस्टम बढ़िया सर? बहुत अच्छा है। भीड़ बहुत है, किस तरह के मैनेज करते हैं यहाँ ले? वो तो टीचर्स अच्छे हैं सर, सभी को अच्छी तरह मैनेज कर लेते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? रेनू। कहाँ से? दमाना से। दमाना से। कितना समय हुआ? 6 महीने। 6 महीने हो गए। मजा आ रहा है पढ़ने में? तो लगता है कहीं ना कहीं जाके इसका बेनिफिट आपको मिलेगा? मिलेगा जी, बेनिफिट मिलेगा। सारे के सारे बच्चे आप देखिए लगातार आ रहे हैं और जा रहे हैं। ये भीड़ आप देखिए बाहर, उतनी भीड़ है, कोई इधर से निकल रहा है, कोई उधर से निकल रहा है। और यहाँ पे हार्टोन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जैसे कि बस स्टैंड के नजदीक, और यहाँ पे कोर्स अलग अलग तरह के कोर्सेज हैं जो कराया जाता है। और बच्चे इसलिए यहाँ पे आते हैं कि फैकल्टी बहुत बढ़िया, पढ़ाने का तरीका बहुत बढ़िया, और एक्सपीरियंस होल्डर जो कि यहाँ के संचालक है राजीव मोंगा, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है कंप्यूटर के क्षेत्र में, और उन द्वारा एक तरह से संस्था लेकर एक तरह हार्टोन यहाँ पे चलाया जा रहा है। तो उस वजह से यहाँ पे जितना भी स्टाफ है क्वालिफाइड स्टाफ है, तो यहाँ एक्सपीरियंस के साथ जब सभी लोग हैं तो बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं तो उनको बेनिफिट मिलता है, उनको कोई दिक्कत समस्या कोई नहीं आती, और उसी को लेकर अलग अलग काउंटर है। तो बच्चे जो यहाँ आते कोई समस्या अगर होती है तो आप लोग पूरा टैकल कर लेते हो?
हाँ जी सर जी। तो यहाँ पे ना स्टाफ है अलग से बच्चों के लिए रखा गया है, जो कि बच्चों की कोई समस्या है उसको सुनने के लिए, उनको एक तरह से समाधान करने के लिए। और पूरे पूरे काउंटर में आप देखिए, यहाँ पूरा ये काउंटर है जो बच्चे कोई शिकायत हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, यहाँ पे जो यहाँ स्टाफ है उनके सामने रखकर वो समाधान के लिए आगे प्रयासरत होते हैं। मैडम अभी जैसे बात करें तो बहुत भीड़ है, बहुत है, किस तरह से हैंडल करते हैं आप लोग? करते हैं सर, एक एक करके स्टाफ है हमारे पास बहुत। अच्छा। एक एक करके हैंडल हो जाता है सब कुछ। तो कई बार ना होता है बच्चे गाँव गाँव से आते हैं, कई एक आधा शरारती बच्चे भी होते हैं, ऐसे भी आते होंगे? आते हैं, बहुत आते हैं सर। तो उनको भी आप लोग टैकल कर लेते हैं? हाँ जी कर लेते हैं, आराम से हो जाते हैं। अच्छा। हाँ जी। तो जैसे कि लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए बैठने की और पढ़ने की सारी व्यवस्था आप लोगों ने किया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, सब इकट्ठे पढ़ते हैं सब, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है सर। हाँ जी जी। आप देखिए रिसेप्शन काउंटर है यहाँ पे, वो बन रहा है, और इस साइड अगर जाए तो यहाँ पे मेरे ख्याल से फॉर्म फिलअप हो रहा है एडमिशन के लिए, सबमिट एडमिशन के लिए इंक्वायरी, फीस सबमिट, एडमिशन फॉर्म, बुक इशू। अच्छा। तो आप कितने का आज एडमिशन आपने कर लिए? आज अभी तक 3 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 20 हो जाएंगे शाम तक। अच्छा। हाँ तो मतलब दिल्ली की डेली एडमिशन भीड़ इतनी हो रही है, उसके बावजूद आप लोग एडमिशन एडमिशन में लगे करते हैं? 20 तो जरूर ही करते हैं। अच्छा, दिल्ली की डेली? बिल्कुल, सभी तरह के यहाँ पे एक तरह से सुविधाएं, ये काउंटर आप देखिए अलग अलग बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं एडमिशन के लिए, एक तरह से ये वो है काउंटर है, बच्चों की कोई डाउट हो तो उसका अलग है, और बच्चों की जो समस्या सुनने के लिए वो अलग है। अब हम लोग ना यहाँ के जो संचालक है राजीव मोंगा जी से बात करेंगे, जो की यहाँ के संचालक है, लंबा अनुभव है उनका, राजीव मोंगा जी का ऑफिस यही है। अभी जैसे हम अंदर आए तो राजीव जी यहाँ पे बैठे हुए हैं, क्योंकि हार्टोन के संचालक हैं, लंबा लगभग 20-25 साल का अनुभव है कंप्यूटर के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, और बच्चों को यहाँ पे ऐसे गुड़ देते हैं कि बच्चे कहीं भी जाके कंप्यूटर के क्षेत्र में मार नहीं खाते। हम बात करेंगे राजीव जी से। राजीव जी नमस्कार। नमस्कार जी। बहुत लंबा आपका अनुभव है, लंबे समय से कंप्यूटर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, और इतनी बड़ा एक तरह से साम्राज्य आपने खड़ा किया, और हार्टोन का एक तरह से संस्था का वो भी आपके पास ही है, तो क्या कहना चाहेंगे बच्चों को लेकर, आप जो आप शिक्षा दे रहे हैं उसको लेकर? ऐसा है कि बच्चे तो अपना पढ़ रहे हैं जी, और अलग अलग जगह से आ रहे हैं और मेहनत करते हैं, जो बच्चा मेहनत करता है वो कहीं ना कहीं लग भी जाता है, प्लेसमेंट का रह जाता है, ताकि बच्चा जो है कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाए, तभी पढ़ाने का फायदा ना हमारा। तो बच्चे जैसे मैं देख रहा हूँ भीड़ बहुत है, तो यहाँ पे कितने क्लासरूम आपके हैं यहाँ पे, और कितने पीसी जो कंप्यूटर है, जो बच्चे इतनी भीड़ है तो पीसी भी बहुत चाहिए, तो कितने लगे हुए हैं आपके इसमें? यहाँ पर 250 प्लस पीसी लगे हुए हैं, 8 कंप्यूटर लैब हैं, 2 थ्री रूम है, हर थ्री रूम जो है इंटरेक्टिव बोर्ड से अटैच है, ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए, जो भी काम करते हैं उनको हम व्हाट्सएप पे डाल देते हैं, या मान लो बच्चे जो है खुद ही उसको यूज कर लेते हैं, स्कैन करके ले लेते हैं, तो ये सारा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर सारा काम हो रहा है, ताकि प्रैक्टिकली वो काम कर पाए। हर बच्चे को बुक्स मिली हुई है, बुक्स दिखाता हूँ मैं आपको जी, जी। हर बच्चे के लिए बुक्स की आपने व्यवस्था की हुई है, बच्चों को बुक्स और एक तरह से बैग आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए आप बुक्स देखिए हार्टोन के अलग अलग कोर्सेज के जी। ये बैग है ठीक है, और जैसे एचटीएमएल की बुक है, सी की बुक है, एक्सेस की बुक है ठीक है, हर एक की बुक्स बनाई हुई है हमने, ताकि प्रैक्टिकली जैसे बेसिक की बुक है, जैसे स्टार्टिंग होते बुक्स मिल जाती है, जिससे वो काम अच्छी तरह कर पाए, प्रैक्टिकल करेगा जब भी उस चीज का फायदा है। थ्योरी में तो देखो क्या है कि अगर थ्योरी हम लगाते रहेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, जब तक उसको प्रैक्टिकल ना इम्प्लीमेंट कर पाए। प्रैक्टिकली में यह है कि उस चीज को वो हर चीज को करके देख लेता है, अगर आंसर साथ में दिए हुए हैं, अगर आंसर मैच हो जाता है तो इसमें ओके है। तो जैसा आपका एक्सपीरियंस था, जैसे आपने अपने एक तरह से कंप्यूटर क्षेत्र में आप घुसे, उसी तरफ से अंदर अंदर सीखते गए, उसी हिसाब से बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो हमने एक कंप्यूटर से स्टार्ट किया था ठीक है, आज 250 प्लस कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, खुद के नोट्स हैं, खुद के हम एक्सरसाइज बनाते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं, उसी हिसाब से हम प्रिंट करवा लेते हैं। तो इतने भीड़ है बच्चों का, व्यवस्था आपने पूरी की हुई है, क्लासरूम अलग अलग, लेकिन स्टाफ लगभग कितना होगा आपके पास यहाँ पे पढ़ाने के लिए? 30 करीब टोटल स्टाफ है हमारा। अच्छा। और जिसमें टीचिंग भी आ जाता है, नॉन टीचिंग भी आ जाता है। तो बच्चे जैसे कि बैचेस भी अलग अलग मैनेज रहता है, मतलब हर एक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है, हर एक काम के लिए अलग बंदा है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक के ऊपर सारा काम दिया हुआ है, सबके लिए अलग अलग व्यवस्था है। तो बच्चों के बैचेस भी अलग अलग होंगे, ताकि ना भीड़ से भी बच्चों को दो दो घंटे के बैच बने हुए हैं, और हर एक टीचर जो है अपना बैच ले लेता है। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना LED लगाई हुई है अपने, और सारे के सारे CCTV कैमरे में आप यहाँ पे बैठ कर देखते भी रहते हैं, कहीं बच्चा शरार तो नहीं कर रहा, एजुकेशन सही हो रही है नहीं हो रही, मतलब पूरा मॉनिटरिंग आपकी पूरी है? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा चेकअप रहता है, ताकि मतलब कहीं भी कोई दिक्कत आती है उसी टाइम उसको हम सॉल्व कर देते हैं जी। हम अंदर जैसे ना लैब भी हम दिखाएंगे, क्लासरूम में भी जाएंगे देखेंगे, लेकिन जनता से जो अभिभावक है उनसे और बच्चों से क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आप संदेश देना चाहेंगे? देखो अभी प्लस टू के बाद जैसे बच्चे फ्री हो गए हैं, तो वो अपना आके कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करें,
ताकि वो ऑथराइज कोर्स करें, ताकि वो उनके फ्यूचर में काम है। पढ़ाई के साथ साथ ये कोर्स कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के साथ साथ नहीं कर सकते, तो पढ़ाई के साथ साथ ये वाला कोर्स भी अपना हो सकता है, क्योंकि दो ही घंटे क्लास लगानी होती है इसमें। जी, राजीव जी से हमने बातचीत की, जो हार्टोन के संचालक है, लंबे अनुभव है, मैंने बताया 20-25 साल का अनुभव है। बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में, जैसे कि पीछे आप जाएंगे ऋषि नगर में, यहाँ पर इनका बहुत बड़ा बिल्डिंग है, जैसे बेसमेंट है, फिर ग्राउंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है, इस टाइप से, और लैब यहाँ पे बहुत सारे हैं, सारी आपको दिखाएंगे। और आपसे निवेदन है, जो बच्चे कंप्यूटर के कोर्स करना चाहते हैं तो आपको हार्टोन में आकर जानकारी अवश्य लेनी चाहिए। और बच्चों से भी हमने बाहर बात की तो सभी बच्चों ने अनुभव अपना बताया कि बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है। अब हम जाएंगे क्लास रूम में सभी बच्चों से, और वहाँ जो टीचिंग कर रहे हैं टीचर से हम बात करते हैं। आइए ले चलते हैं आपको नीचे, ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट फ्लोर, फिर जो भी इनकी लैब है जितने भी वहां पर। अभी जैसे हमने राजीव जी से बातचीत की, उसके बाद ऐसे हम क्लासरूम में आए, यहाँ पे आप देखिए बच्चे एक एक पीसी में अलग अलग बच्चे यहाँ बैठे हैं, और फैकल्टी यहाँ पर है तैनात है, वो एक देख रहे हैं बच्चों को, कोई कैसा कर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उस चीज के लिए पूरी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। मैडम से हम बात करेंगे, मैडम आप यहाँ फैकल्टी हैं और बच्चे एक तरह से अलग अलग पीसी में बैठ के काम कर रहे हैं, तो बच्चों को क्या कुछ आप गाइडेंस कैसे देते हैं, जो समस्या थी उनकी समस्या का समाधान कैसे करते हैं? यस सर, कंप्यूटर आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, और इनको मोटिवेट भी करते हैं, सिखाते भी हैं, जो भी क्वेरीज वगैरह आती है वो भी हम इनकी सॉल्व करवाते हैं टाइम टू टाइम। अच्छा, तो बच्चे यहाँ बैठे हैं, टाइम टू टाइम जो समस्या बच्चों को आती है वो उसका एक तरह से समाधान करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप कितने बढ़िया तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यहाँ बैठकर बच्चे अपना वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग यहाँ चलते हैं, यहाँ अलग क्लास है, आप देखिए यहाँ, वहाँ पे बच्चे कंप्यूटर पे थे तो यहाँ पे टीचर्स हैं बोर्ड पे, और एक तरह से उस पर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे, और सीटिंग की अगर बात करें पूरी व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे सीटिंग की व्यवस्था है। इसके साथ ही हम लोग फिर अंदर चलते हैं, दूसरा दरवाजा खोल के तो इस साइड जाएंगे तो हम देखते हैं यहाँ पे, आप देखिए यहाँ पर भी बच्चे बैठे हुए हैं और यहाँ पे टीचर्स हैं, और बच्चों को मेरे ख्याल से क्या कुछ करा रहे हैं, अभी हम बात करेंगे, जानेंगे क्या सिखा रहे हैं यहाँ पर, जो बच्चे का अलग से वो किया जा रहा है सर से। सर नमस्कार। यहाँ थोड़ा बिठाने का तरीका थोड़ा अलग से, क्या कुछ ऐसा सिखा रहे हो आप? सर HTML चल रही है यहाँ स्टूडेंट्स की, जो वेब डिजाइनिंग के लिए यूज की जा रही है। HTML के अंदर हम फॉर्म सिखा रहे हैं, ऑनलाइन फॉर्म जो सबमिट होता है उसमें बटन्स क्लिक कैसे करते हैं, काम कैसे करेगा, रिकॉर्ड सबमिट कैसे करेगा, उसके बारे में सिखाया जा रहा है बच्चों को। तो बच्चों का इंटरेस्ट कैसा है इस चीज को लेकर? डिजाइनिंग के अंदर आजकल सभी का इंटरेस्ट है सर, क्या आने वाले फील्ड के अंदर इनको पता है कि डिजाइनिंग कोडिंग के बिना कोई काम नहीं होता है। HTML के अंदर सारा काम चलता है, वेब डिजाइनिंग करेंगे देन ये आगे कोडिंग सीख करके आप कंप्यूटर प्रोग्रामर हो गया या आपका कोडिंग के अंदर जा सकता है बच्चा। इस सोशल मीडिया का जैसे जमाना है तो डिजिटल मीडिया का सीखना भी बहुत अनिवार्य है, उसी हिसाब से बच्चे पे अपना आपको एक अपग्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हार्टोन संस्था है, जहाँ पर आकर बच्चे अलग अलग तरह के कोर्सेज कर रहे हैं। और ये बच्चे आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरा का पूरा बैठ के सर यहाँ सिखा रहे हैं, और ये एक्सपीरियंस इनको एक तरह से जितना है अपना अनुभव है बच्चों को वो चीज यहाँ पे एक तरह से सिखाने का काम कर रहे हैं। तो आप बताइए कितना समय हुआ आपको यहाँ पे सीखते हुए? सर 6 महीने हो गए। 6 महीने हो, क्या कुछ आपने सीखा है? सर बेसिक सीख लिया, अब HTML स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे टीचर्स हैं और फैकल्टी है, पूरी तरह से आप लोगों को संतुष्ट कर रहे हैं कि हाँ ये चीज की अगर समस्या तो उसका समस्या का हल करते हैं? यस सर। तो क्या कहना चाहेंगे, जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं कंप्यूटर में तो आना चाहिए यहाँ पे? आना चाहिए सर, बिल्कुल आना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से सिखाते हैं, सब कुछ समझ में भी आता है। जी, बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं, समझ में भी आते हैं। आप देखिए पूरा का पूरा लैब है, और यहाँ पर बैठकर ये जो कंप्यूटर में जो काम कर रहे हैं वो अलग है, और पीसी सबके लिए अलग से यहाँ पे तैयार किया गया है। तो अगले उसमें हम लोग चलते हैं, अगला देखते हैं कि यहाँ से कहाँ हम लोग निकलेंगे। जैसे हम आपको लेके चल रहे हैं एक और यहाँ पे क्लास है, यहाँ पर भी बच्चे पूरी तरह से बैठे हुए हैं, आप देखिए कि टीचर से सामने और बच्चे बैठकर यहाँ पे राउंड टेबल भी बच्चों के लिए लगाया गया है, ताकि बच्चे डिबेट करने के लिए, अपने डिस्कशन करने के लिए। और ये देखिए यहाँ हार्टोन के ऊपर जितने भी क्लासेस सभी में अलग अलग है, और ये नहीं कि खचाखच, पूरा का पूरा व्यवस्थित तरीके से अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग बैच है, और बच्चे यहाँ पर आकर पूरी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे जो फैकल्टी है सर से, इनसे जानेंगे सर क्या आप पढ़ा रहे हैं यहाँ पे आज? सर हम अभी फिलहाल MS Access टीच करवा रहे हैं। जी, MS Access जो सॉफ्टवेयर होता है उसके अंदर हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं कि हम डाटा को सिस्टमैटिक तरीके से मैनेज करके अपने कंप्यूटर में कैसे फीड कर सकते हैं। तो बच्चे किस तरह के इसमें, बच्चों का वो कैसा है रिस्पॉन्स? रिस्पॉन्स अच्छा है सर, बच्चे जो सीखते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करके दिखाते हैं हमें। तो आपको लगता है अगर यहाँ हार्टोन में बच्चे कोर्स करके जाते हैं, उनको कहीं ना कहीं जाके सरकारी जॉब में, प्राइवेट जॉब में उनको बेनिफिट मिलने वाला है? सर आजकल का जो
वे है वो सारा का सारा कंप्यूटराइज हो रखा है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट, आजकल हमारा जितना भी काम होता है या तो कंप्यूटर पे होता है या फिर हमारा मोबाइल से होता है, तो अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन निकालनी होता है वो इंटरनेट से निकालता है। तो इंटरनेट के निकालने के लिए हमें या तो कंप्यूटर चाहिए या फिर मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल से तो इजिली हम सब कुछ ऑपरेट कर लेते हैं, लेकिन अगर कंप्यूटर से निकालना है तो उसके लिए पहले हमें कंप्यूटर आना चाहिए सीखने। तो उसके लिए हम स्टूडेंट्स को वही सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जिससे कि स्टूडेंट आगे चल के फ्यूचर के अंदर अपनी सारी की सारी जो उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो उसको नीड हो, वो कंप्यूटर से वो निकाल सके, रिकॉल कर सके। जी, तो जैसे कि कंप्यूटर के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पे दी जाती है, अलग अलग तरह के कोर्सेज है, हम बात करेंगे। आप कहाँ से? तलवंडी राणी से। तलवंडी से। कितना समय हुआ आपको यहाँ पे? सिक्स मंथ का एक्सपीरियंस क्या है, क्या कितना आप अभी सीख पाई है? बहुत कुछ सीख लिया सर, एक्सेल, एमएस वर्ड और पेंट वगैरह। तो लगता है इसका यहाँ का सीखा हुआ कहने के आपके जीवन में काम आने वाला है? यस सर। अच्छा, तो और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे जो सीखना चाहते हैं कंप्यूटर के क्षेत्र में, पढ़ाई करना चाहते हैं उन लोगों के लिए? सर, कहीं पे गवर्नमेंट जॉब निकले तो सबसे पहले हार्टून का डिप्लोमा मांगा जाता है, तो इसलिए कंप्यूटर कोर्स हार्टून से ही करना चाहिए। अच्छा, तो आने जाने के लिए कोई समस्या, कोई दिक्कत नहीं? सर, कोई समस्या नहीं है, पास बनवाए जाते हैं हार्टून में। अच्छा, तो यहाँ पे बैठने के जितने बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहे हैं कि भीड़ बहुत ज्यादा है, तो यहाँ बैठने का कोई ऐसी आपको समस्या तो नहीं आती कभी? नहीं सर। अच्छा, तो आप कहाँ से मैम? मैं भवानी खेड़ा से। अच्छा, कितना समय हुआ आपको यहाँ? मेरे को 6 मंथ हो गए सर। तो क्या कुछ आपने सीखा है? बहुत कुछ सीखा सर। तो बहुत कुछ में मतलब कौन सा? एमएस एक्सेल, पेंट वगैरह, एसक्यूएल चल रहा है अभी, एमएस एक्सेल चल रहा है, फिर हम अपनी मर्जी से टाइपिंग वगैरह मतलब काफी टाइम तक कर सकते हैं। अच्छा, हाँ जी। कोई ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा टाइम खत्म है भाई भावो जी निकलो? नहीं 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 सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है? नहीं नहीं। तो मतलब पूरी तरह से संतुष्ट है आप लोग यहाँ? पूरी तरह, हाँ जी। तो आप कहाँ से? तलवंडी राणा से। तलवंडी राणा से। कितना समय हुआ? 6 मंथ हुए सर। सिक्स मंथ पे जो एक आपका अनुभव है अच्छा है? बिल्कुल सर। आपका नाम? सिमरन। कहाँ से? तलवंडी राणा से। तलवंडी राणा से। तो अभी समस्या थी आने जाने की, अभी मेरे ख्याल से दूर होने वाली है? यस सर, अब तो रास्ता बन जाएगा, थोड़ा जाएगा ना। तो जैसे यहाँ कोर्स कर रहे हो, इसका कितना एक्सपीरियंस आपको अभी तक हुआ है? काफी है सर, जितना सर ने सिखाया, और सर साथ के साथ प्रैक्टिस भी करवाते हैं, कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर करते हैं साथ के साथ। तो इसका फायदा मिलने वाला है आपको? यस सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे कि यहाँ आप कोर्स कर रही हैं, कितना पहले तो कितना समय हुआ आपको? 6 मंथ सर। 6 मंथ आपको भी हुए, तो जो बच्चे आना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए कंप्यूटर कितना महत्वपूर्ण है आज के जीवन में? सर, आज के दिन तो सभी आर्टून से ही वो करते हैं, सभी को आर्टून का ये डिप्लोमा चाहिए होता है, कंप्यूटर का हर एक नौकरी में चाहिए होता है सर। तो कि सभी को ना कंप्यूटर सीखना चाहिए, क्योंकि जॉब में आजकल का डिजिटल का जमाना है और एक उसमें हर जगह कंप्यूटर यूज होता है, तो कंप्यूटर कोर्स का करना अनिवार्य है। आपका नाम? नवीन कुमार। नवीन कहाँ से हो? इंदवान से। इंदवान से। नवीन, जैसे यहाँ कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, अलग अलग कोर्सेस आप यहाँ पे सीख रहे हैं, तो उसका आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है कि जॉब के लिए? यस सर, बहुत बेनिफिट मिलता है इसके लिए। हमें कहीं कंपनी के अंदर जॉब मिलती है तो कंप्यूटर मांगा जाता है, डिप्लोमा हार्टून से तो अच्छा होता है डिप्लोमा। अच्छा। से हार्टून का डिप्लोमा का मान्यता है अलग अलग सरकारी जॉब में, तो बच्चों का रुझान इसकी तरफ ज्यादा है। और उसके बाद भी, उसके साथ साथ भी यहाँ पे कोर्सेज की अगर बात करें, तो क्यों, जो अनुभवी यहाँ पे टीचर्स हैं और जो यह संचालक हैं यहाँ के, राजीव मोंगा, लगभग 20-25 साल का उनका एक्सपीरियंस है एक तरह से कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो उन द्वारा एक तरह से संचालित किया जा रहा है, तो बच्चों का ज्यादातर यहाँ पे सीखने आना और यहाँ पे आकर हर कोर्स करना, ये भी कारण है एक। और हाँ, कहीं ना कहीं एक बात करें तो गवर्नमेंट जॉब में इनके एक तरह से डिप्लोमा का मान्यता है, उसका भी फर्क है, और साथ के साथ जो एक्सपीरियंस टीचरों का है उसका अनुभव के कारण भी बच्चे इस सेंटर में ज्यादातर आकर सीखते हैं। यहाँ तो मैं थक चुका हूँ लैब में घुस घुस के, अभी एक और लैब है यहाँ पर, इस पर यहाँ है, यहाँ देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी बच्चे अपने कंप्यूटर में, पीसी में लगे हुए हैं, बहुत सारे लैब है, बहुत सारे एक तरह से क्लासेस हैं यहाँ पे, और सभी बच्चे अलग अलग क्लास में बैठ के, आप जैसे ही घुसते हैं ना, बिना बताए हम लोग घुस रहे हैं, तो बच्चे अपने काम में लगे हुए हैं, ऐसा नहीं कि क्लास में जाके बच्चे बातों में लग रहे हो, काम नहीं कर रहे हो, ऐसा कहीं भी नहीं दिखा गया है। इतनी क्लास में हम गए हैं, सारे के सारे बच्चे, और हर क्लास में टीचर्स हैं, और टीचर के साथ बच्चे अपने पढ़ाई कर रहे हैं, कोई अपना डाउट हो, अपना कोई एक तरह से समस्या हो, तो उसको बच्चे टीचर से पूछ के समाधान भी कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? पूजा सर। पूजा। पूजा कहाँ से हो? काजला से सर। काजला से। पूजा, कितना समय हुआ यहाँ पे आया? यहाँ पे सर हमें 7th मंथ हो गए। 7th मंथ। क्या कुछ आपने सीखा यहाँ पे? यहाँ पे सर अब लैंग्वेज चल रही है, बेसिक कंप्लीट हो गया है। लगभग कितने कोर्स आपने यहाँ पे किए हैं? बस हार्टून का शुरू किया था सर यहाँ पे, 6th-7th मंथ से हो गया, मानो 4-5 मंथ हो रहे हैं। तो अनुभव सही है आपका? हाँ, बहुत बढ़िया। टीचर्स सही पढ़ाते हैं या टाइम पास करते हैं? नहीं सर, बहुत बढ़िया करवाते हैं। बढ़िया कराते हैं। अच्छा, तो मतलब यहाँ जो सीख रहे हो वो कहीं ना कहीं आपको अपने लाइफ में आपको काम आएगा? यस सर। तो टीचर्स भी यहाँ हम बात करेंगे सर, कैसे पढ़ा रहे हैं आप यहाँ?
सर सही पढ़ाया जा रहा है सर, ब्लैक बोर्ड भी है, स्क्रीन भी दी हुई है, बच्चा जिस तरीके से पढ़ना चाहे उस तरीके से उसको करवाया जाता है। स्टार्टिंग में पहले करवाया जाता है, उसके बाद फिर डाउट्स लिए जाते हैं, थ्योरी वगैरह सारी इस पे, और जो प्रैक्टिकल है वो स्क्रीन पे करवाया जा रहा है। बच्चा अगर डाउट लेना चाहता है या फिर एक्स्ट्रा क्लास लगाना चाहता है तो वो भी प्रोवाइड की गई है। तो आपका बच्चों का एक्सपीरियंस लगभग सही है, अच्छा है, आपका बच्चों के प्रति और बच्चों ने जो आपको एक्सपीरियंस दिया है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? नहीं, बच्चे सही काम कर रहे हैं सर। अच्छा, संतुष्ट सही है। तो आप पढ़ाकर आप भी संतुष्ट हैं? हाँ जी जी, पढ़ाकर टीचर भी संतुष्ट है, बच्चे तो संतुष्ट हैं, उसके साथ साथ टीचर भी संतुष्ट है। हम दूसरे रूम में चलते हैं, जैसे ऊपर का तो आपको दिखा दिया, हम आगे बेसमेंट में, यहाँ पर कैसी व्यवस्था देखते हैं। ये तो बहुत बड़ी लैब है और देखिए दोनों साइड कंप्यूटर लगे और बच्चे बैठे हुए और टीचर्स भी, मेरे ख्याल से एक दो दो टीचर्स एक तरह से यहाँ बच्चों को एक तरह से साथ में पढ़ा रहे हैं। अब देखिए और LED भी यहाँ पे लगा हुआ है, LED में भी बच्चों को एक तरह से पढ़ाया जाता है, और उसके साथ साथ कंप्यूटर बच्चों के लिए अलग अलग PC यहाँ पे रखे गए हैं, किसी बच्चे को समस्या ना हो, कोई बच्चों की डाउट है, कोई समस्या है तो बच्चे आराम से, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं तस्वीरों में, हमने यहाँ टीचर से फैकल्टी है उनसे बात करेंगे। ये जो बोर्ड LED बोर्ड यहाँ पे लगाया हुआ है, इसका क्या मकसद है और क्या किस तरह से यहाँ पे पढ़ाते बात करेंगे। सर जो ये बहुत बड़ा एक तरह से आपने स्क्रीन लगाई हुई है, यहाँ पे किस तरह से आप टीच करते हैं? सर हम बोर्ड पे अपने LED पे टीच करते हैं, जिससे बच्चों का फोकस अच्छी तरह रहता है और समझ उनको अच्छी तरह आ जाता है। ये चीज हमारा पूरा फोकस रहता है कि हम सब बच्चों को अच्छी तरह समझा पाए, किसी भी बच्चों को ऐसे कोई डाउट्स वगैरह होती है तो हम वन बाय वन सभी बच्चों से लेते भी है। तो क्या कुछ कोर्स आप जैसे कि यहाँ पे करा रहे हैं, जैसे इस लैब की अगर बात करें तो क्या कुछ आप सिखाते हैं? सर अपना हार्टन जो अपने हार्टन की तरफ से मल्टीपल कोर्स दिए जा रहे हैं, जैसे 1 ईयर कोर्स भी है, 6 मंथ कोर्स भी है, 3 मंथ भी कोर्स भी है, और जो अपना 1 ईयर कोर्स रहता है कम्प्लीट अपने इंडिया में वैलिड रहता है, जैसे DCA कोर्स है, DCAA कोर्स है, अलग अलग बच्चों के अकॉर्डिंग अलग अलग स्ट्रीम्स के अकॉर्डिंग अलग अलग रहता है। हाँ, जैसे DCA कोर्स है, DCA में लैंग्वेज वगैरह आ जाती है अपनी, और जो DCAA कोर्स है उसमें अपने अकाउंट्स का सिलेबस ज्यादातर रहता है। जी, तो आपने देख लिया, सर से हमने बातचीत की, अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग प्रकार के कोर्सेज है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब में भी उनको बच्चों को काम आता है। और ये देखिए पूरे के पूरे यहाँ पर व्यवस्थित तरीके से बैठ कर ये लोग यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। हम एक मैडम, कहाँ से आप? मीनीघेड़ा से। मीनीघेड़ा से, तो क्या कुछ सीख रहे हो? एक्सेल सीख रहे हैं। अच्छा, तो कितना समय हुआ एडमिशन का आपका? मुझे तो हो गया 10 महीने हो गए। 10 महीने हो गए, पूरा अनुभव अब तक का एक्सपीरियंस अच्छा आपका? हाँ ठीक है जी। ठीक है मैडम, आप कहाँ से? मैं यही हिसार से। हिसार से, क्या सीख रहे हो? एक्सेल। एक्सेल, तो कितना अभी सीख पाए हो? अभी तो लगभग हो गया है मेरा कंप्लीट। कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर बात करें तो कैसी फैकल्टी और सिखाने का और ओवरऑल क्या है माहौल है यहाँ का? बहुत अच्छा माहौल है सर, सिखाने वाले हमारे टीचर भी अच्छे हैं यहाँ पे, और अच्छा समझ में आते हैं जब सर करवाते हैं तो, और क्या बताऊं जी, वो अच्छा माहौल है, बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं तो बच्चों का अनुभव भी अच्छा है। तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे अभी? फॉर्म फिलअप कर रहे हैं? टेस्ट दे रही हूँ सर। टेस्ट दे रहे हो किस चीज का? MS पेंट, MS वर्ड और नोटपैड का। तो रेगुलर टेस्ट भी होते रहते हैं? यस सर। अच्छा, तो जैसे कि टेस्ट भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के आपको कोर्सेज भी कराए जाते हैं, तो आप कौन से गाँव से कहाँ से आती है? खरड़ से आती हूँ सर मैं। खरड़ से, तो क्या सुबह का बैचेस आपका है? यस सर। कभी दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, कोई समस्या नहीं है? नहीं सर। बच्चों से हमने बातचीत की, कोई समस्या नहीं है, सभी बच्चे यहाँ आकर पढ़ने में खुश हैं। हम जाएंगे दूसरे लैब की तरफ, है एक देखिए अंदर ही अंदर है, बिल्कुल लैब ही लैब है, और यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे होंगे। ये देखिए भीड़ देखिए यहाँ पे, यहाँ पर भी पूरे पूरे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और भीड़ है पूरे। और जैसे आपने अलग अलग लैब आपने वहाँ पे देखे, अलग अलग तरीके से पढ़ाने का तरीका देखा, यहाँ पर भी आप देखिए PC में बैठे हैं, बुक भी हाथ में, और एक तरह से कॉपी साथ में, पेन भी हाथ में, पॉइंट नोट आउट भी कर रहे हैं साथ के साथ, और एक तरह से कंप्यूटर में पढ़ भी रहे हैं। अभी कुछ लोगों से हम बात करेंगे यहाँ पे जो आए हुए हैं, जिनके एक्सपीरियंस क्या है। आप कहाँ से? सर हिसार से। हिसार से, क्या कुछ सीख रहे हो आप? SQL। अच्छा, कितना समय हुआ? 3 दिन हुआ। तो ठीक है आपका यह अनुभव? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं। आप क्या कर रहे हो? ये SQL ही चल रहा है हमारा भी। कहाँ से हो? हिसार से ही है। हिसार से ही हो, तो कितना समय हुआ? 6 महीने हो गए। 6 महीने का अनुभव क्या मानती है आप कि ठीक है 6 महीने में आपने अच्छा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बढ़िया है। आपका नाम क्या है? मोनिका। कहाँ से? हिसार से ही। हिसार से ही। तो कितना समय हुआ आपको? 6 महीने हुए। लगभग 6 महीने हुआ है यहाँ पे, जितने भी लोग हैं यहाँ, जो गर्ल्स है, अभी हमने गर्ल्सों से बात की है यहाँ पे जो बैठी हुई है। आपका नाम क्या है? जागृति। हाँ जी, जागृति। जागृति, जागृति, जैसे यहाँ आप आए हैं, कब से आई हुई है? 6 मंथ। 6 मंथ से। जैसे कि आप देख रहे हैं अब फिर अलग क्लास में हम आ गए, घुसती है, देखिए ये भी बहुत बड़ी क्लास है और यहाँ पर बच्चे हैं पूरे पूरे यहाँ बैठे हुए हैं। आप क्या कुछ पढ़ रहे हो? HTML। हाँ जी, HTML चल रहा है अभी। अच्छा, कितना समय हुआ आपका?
मेरा 6 मंथ हो गए। 6 मंथ हो गए, तो 6 मंथ में क्या आपने सीखा अभी तक? मैंने HTML भी चल रहा है और पीछे सब नोटपैड पावरपॉइंट एक्सेल सब हो गया। तो जो सिखाया है वो दिमाग में बैठा हुआ है? नहीं। हाँ बैठा हुआ है पूरी तरह से। हाँ। अच्छा, आपका नाम? अनूप है सर। कहाँ से है अनूप? इशार दानसु से। अच्छा इशार दानसु से। क्या कुछ सिखा रहे हैं आपको यहाँ? SQL चल रहा है सर हमारा, वैसे बाकी तो लगभग हो गया है। अच्छा जी, तो अभी तक आपने जो सीखा है उससे संतुष्ट हैं आप? हाँ सर बिल्कुल संतुष्ट। तो पूरी तरह से संतुष्ट है, आप देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक सभी बच्चे हैं और पूरे आपने एक एक PC लेकर बैठे हैं और उसी PC में अपना वर्क कर रहे हैं। जो इनको दिया जाता है उसके जो एक्सपीरियंस है वो भी, और जो नए सिलेबस इनको दिया जाता है वो भी, ये लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं साथ के साथ। और हम लोग इसके साथ ही हम अलग चलेंगे। यहाँ देखिए ये लोग भी यहाँ पे लगे। हाँ जी, आपका नाम? कविता सर। कविता, कविता कविता पढ़ रहे हो या कंप्यूटर में कुछ आप कर रहे हो? सर मेरा HTML चल रहा है। अच्छा, तो क्या कुछ आपने अभी तक किया? सर जो कुछ मतलब वर्ड पैड नोट पैड HTML सब कुछ पूरा का पूरा। तो जैसे यहाँ आप सीख रहे हो उससे कि एडमिशन लेने से पहले आपने नाम सुना होगा कि मुझे ये कोर्स करना है, तो क्या हार्टोन ही आपने प्रेफर क्यों किया? सर जब मतलब सुना है कि हार्टोन अच्छा स्किल सेंटर है इस वजह से। अच्छा, तो मतलब कि हार्टोन का नाम सुना है तो इसके कोर्सेज ठीक है और इसमें यहाँ पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में भी काम आएगा इसीलिए। यस सर। आपका नाम? महक। हाँ जी महक। महक, तो कविता महक सारे मतलब ना उस तरह से आप लोगों। तो कहाँ से हो आप? नोड़ी क्लास से। नोड़ी क्लास से। लगभग कितने देर आप पढ़ते हो यहाँ पे? सर लगभग 2 घंटे 1-1.5 घंटा। अच्छा, तो पूरा अच्छा है अनुभव अब तक का? यस सर। तो संतुष्ट यहाँ से पढ़ के आप? हाँ बिल्कुल। तो बच्चों को आना चाहिए हार्टोन में कोर्सेज के लिए? जी जरूर, ट्राई जरूर करना चाहिए, उसके बाद ही पता चलेगा ना। जी, ट्राई जरूर करना चाहिए उसके बाद पता चलेगा। आप क्या कुछ कर रहे हो? सर HTML चल रहा है। HTML कहाँ से हो आप? मैं सर हांसी से। हांसी से, तो HTML को कोर्स आप कर रहे हो। लगभग कितना आपको समय हुआ है यहाँ पे? सर मेरे को 3 से 4 महीने हो गए। 4 महीने। 4 महीने में क्या कुछ आपने सीखा है? सर स्टार्टिंग से सर ने करवाया जैसे पेंट, फिर MS Word, Excel, अब HTML चल रहा है। तो लगता है कहीं ना कहीं आप अगर ये सीख के जाएंगे तो जो यहाँ सिखाया हुआ है वो आपके लाइफ में आपको काम आने वाला है? यस सर आएगा बिल्कुल, लाइफ में काम आने वाला है। सभी के बच्चों की यही है कि अगर कहीं पढ़ते हैं कहीं शिक्षा लेते हैं तो अपने जीवन के एक तरह से एक तरह काम आता है। कोई शिक्षा ऐसी चीज है कोई ले नहीं सकता, हर चीज आपके ना, अगर आपकी दौलत है धन है कोई भी चीज वो एक तरह से अलग ले सकते, कोई भी इंसान लगा के चलो परिवार में कोई भी छीन लेगा, लेकिन शिक्षा ऐसी चीजें कोई छीन नहीं सकता। इसलिए बच्चे यहाँ पर आके अपनी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और यहाँ से जो डिप्लोमा कंप्यूटर के कोर्स करके अपने भविष्य सुनिश्चित करने के लिए लगातार बच्चों का प्रयास है और टीचर भी बच्चों को सपोर्ट करते हुए यहाँ पे लगे हुए हैं। जैसे कि हम अंदर घुसे थे एक और यहाँ पे क्लास हमें मिला और यहाँ पे मैडम है बोर्ड पर एक तरह से बच्चों को टीच कर रही है। पहले हम यहाँ तो मैडम से ही बात करेंगे, क्या कुछ मैडम यहाँ पे पढ़ा रही है? मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। तो क्या कुछ पढ़ा रहे हैं आप? सर मैं मेमोरी का टॉपिक फंडामेंटल। फंडामेंटल, तो जैसे कि मैं जैसे सुबह स्टार्ट हुआ था घुसते 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 सबसे लास्ट में आपको बिठा रखा है, ये क्या कारण है? ये फंडामेंटल की मतलब एक ही क्लास लगती है ना, तो उस वजह से फिर जैसे इन लैब से बच्चे आते हैं तो फिर यहाँ आ जाते हैं इसलिए। बाकी और ये नहीं है कि मेरे को स्पेशल अलग से बैठाया, रूम मेरे को ऊपर वाला भी दे रहे थे। अच्छा। मैं उसमें कम्फर्टेबल नहीं थी इसलिए मैं इसमें शिफ्ट हो गई। जैसे ना बच्चे आते हैं अलग अलग इलाके से अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, कई बार गांव से जब आते हैं कोई ये कहता शरारती बच्चे भी होते हैं, तो वो बच्चे जब सामने आते हैं कोई क्लास में आते हैं उनको कैसे टेकल करते हैं? सर वो तो अपने ऊपर है कंट्रोल करना, थोड़ा सा स्ट्रिक्टली किसी के साथ पेश आना पड़ता है तो वो कर लेते हैं, जो बच्चे सही रहते हैं उनके साथ थोड़ा पोलाइट कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ जितने भी बच्चे लड़के लड़कियां सभी आ रहे हैं, तो जो कोर्स कर रहे हैं हार्टोन से बच्चों को इसका बेनिफिट क्या मिलने वाला? गवर्नमेंट जो जॉब है मतलब मोस्ट ऑफ के अंदर है कि हार्टोन का डिप्लोमा आजकल मांग लेते हैं, या प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हैं तो भी हार्टोन के डिप्लोमे को फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है। तो उसका यही बेनिफिट है कि गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है और इसकी प्रेफरेंस है, और गवर्नमेंट जो जॉब है उनके अंदर तो स्पेशली इनकी डिमांड करते हैं कि आपका हार्टोन का डिप्लोमा होना चाहिए उसके अंदर। जैसे भी आपने भी शिक्षा ली है उसके बाद आप अभी शिक्षा बच्चों को दे रहे हैं, ये बच्चे जाके कहीं ना कहीं एस्टेब्लिश हो जाते हैं, बच्चे नाम कमाते हैं, तो कितनी खुशी होती है एक टीचर के मन में? अच्छा ही लगता है सर बहुत, कि इस टीचर के पास से पढ़ के गए हैं, या फिर कहीं जाके स्पेशल बोलते हैं कि उस टीचर ने हमें पढ़ाया था, तो वो खुशी तो होती है कि हमने टीच किया और फिर वो बच्चे आगे निकले हैं, तो वो अच्छा ही लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू सर। अभी हम कुछ बच्चे इनसे बात करेंगे थोड़ा सा। आप कहाँ से हो? मैं सर। अच्छा। मैं तो मैडम क्या सिखा रहे हैं आपको? फंडामेंटल करवा रहे। अच्छा, तो समझ में आ रहा है? यस सर। अच्छा, कितना? 50% तो है सर। आपका नाम? इंदु। कहाँ से? बुराक से। बुराक से, तो रेगुलर आते हो या?
रेगुलर आते हैं सर। तो क्या कुछ सीखा आपने? सर लगभग क्लास अटेंड कर ही रहे हैं तो आई रहे, मतलब जिस हिसाब से आए थे उस हिसाब से संतुष्ट है पूरी तरह। यस सर। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं बच्चे अपने कॉपी लेकर फंडामेंटल में जैसे मैडम यहाँ पे पढ़ा रही हैं तो उस चीज का वो भी अनुभव भी यहाँ पर ले रहे हैं। आप कहाँ से हो? चौधरीवाली से। चौधरीवाली से। चौधरीवाली से। तो क्या कितना समय हुआ आपको? 5-6 महीने। 5-6 महीने सही लग रहा है। तो और बच्चे जो सीखना चाहते हैं उनको आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? आना चाहिए। आना चाहिए। आप कहाँ से हो? शिवानी से। शिवानी से। अच्छा, शिवानी से रेगुलर आते हो? यस सर। अच्छा, तो क्या कुछ सीख रहे हो यहाँ पे? यहाँ पे आर्ट के बारे में, जो डिप्लोमा जो है ये मेमोरी, मेमोरी के बारे में सीख रहे। अच्छा, सही पढ़ाते हैं? यस सर। समझ में आता है? यस सर। अच्छा, आप कहाँ से? नांदली से सर। नांदली से। नांदली से। अच्छा, नांदली से आ रहे हो तो रेगुलर आते हो? या रेगुलर आते हो सर। तो यहाँ स्टाफ जो पढ़ाने का तरीका और का कैसे ओवरऑल क्या मानती हैं? सर बहुत अच्छा है इनका, वो बढ़िया है, संतुष्ट है पूरी तरह। यस सर। तो सभी बच्चे एक तरह से संतुष्ट है, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है, और टीचर भी संतुष्ट है बच्चों को पढ़ाकर। जो बच्चे कई बार ना शरारती आ जाते हैं उनको टैकल करने का तरीका भी टीचर से बात होते हैं, तो और टीचर्स उसी हिसाब से बच्चों को टैकल करके और ये पढ़ाते हैं। और यहाँ से जो जितने बच्चे पढ़ के अगर अपना भविष्य सुनिश्चित करेंगे, कहीं जॉब में लगेंगे, तो टीचर को भी खुशी होगी कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चा आज इस मुकाम को हासिल कर लिया। तो ऐसा अनुभव भी टीचर्स को होता है।